आगे बढ़ते हैं। झांगरू ग्राम में निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है, जिसके चलते अनेकों जनसभा में हिस्सा लेते हुए जनता की समस्याओं का समाधान कराना अपनी प्राथमिकता बताया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दंगल में लगातार प्रत्याशियों के बीच जीत की होड़ लगी है, जिसे लेकर वो जनता से जुड़ रहे हैं और पक्की दावेदारी भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल ने भीमगढ़ खेड़ी में पहुंचकर जनता को संबोधित किया। कहा कि चुनाव जीतने के बाद गुरुग्राम की जनता की समस्याओं का समाधान कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। भीमगढ़ खेड़ी के लोगों ने मुझे क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ कराया। सभी अपने तरीके से चुनावी मैदान में डटे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी जनता ही मालिक है। हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं भीमगढ़ खेड़ी। हमारे मंदिर की पूरी कमेटी, हमारा ब्रह्म समाज, जिन्होंने आज मुझे पूरे से तोड़ा है, इनका आशीर्वाद लेकर के हमारा ये जो पुल जो सकरा है इसको चौड़ा करवाने का काम। भीमगढ़ खेड़ी में सफाई की और सीवर की दिक्कत बहुत लंबे समय से है, उसका परमानेंट समाधान कराने का काम। इस माता रोड, रेलवे रोड पर एलिवेटेड रोड बनवाने का काम। राजेंद्रा पार्क से भीमगढ़ खेड़ी शमशान के रास्ते का काम। राजेंद्रा पार्क में गार्डन, नाम गार्डन से है लेकिन गार्डन नहीं है, गार्डन बनवाने का काम और वहाँ का स्कूल अपग्रेड कराने का काम। लोगों को जिंदगी में आम सहूलियत बड़ी आसानी से मिले, उसके लिए पूरा काम करूंगा। बता दें कि नवीन गोयल ने भीमगढ़ खेड़ी के लोगों का आशीर्वाद लिया। मौके पर लोगों ने उन्हें केले से तोला। भीमगढ़ खेड़ी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उम्मीद हमें है कि यहाँ पर जो 3500 वोट पड़ते हैं 75% वोट, 2600 वोट का हमने टारगेट लिया है। माता शीतला की कृपा से सारे साथी इसको मिलकर पूरा करवाएंगे और लक्ष्मण विहार भी हम अच्छे माध्यम से जीत करके आएंगे। यहाँ पर हमारे साथी प्रशांत भारद्वाज जी, हमारे साथी प्रदीप जानलू जी और पूरी बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही है। देखिए सबका अपना अपना तरीका है जी, हम अपने काम में लगे हुए हैं, बाकी उनकी मर्जी है। बता दें कि जन समर्थन में लोगों ने कहा कि वो नवीन गोयल के साथ हैं और उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। रिया राय, टोटल टीवी, गुरुग्राम।